नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटर पनीर बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। वैसे तो मटर पनीर बनाना काफ़ी आसान है और हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसमें हम ना तो काजू का इस्तेमाल करेंगे, ना मलाई, ना क्रीम और ना ही दही, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और एकदम डाबर स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं ये मटर पनीर। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। एक हरी मिर्च डाल करके आप देखिए, जो प्याज है उसको बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है, इस तरीके का दरदरा हमें पीसना है। यहाँ एक कढ़ाई या पैन आप लीजिएगा, उसमें एक बड़ा चम्मच हमें तेल डालना है। तो एक करछी मैंने लगभग तेल इसमें डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 1 से 2 तेज पत्ता हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा प्याज है दरदरा पीसा हुआ वो हम डाल देंगे। आप चाहें तो जो चॉपर होता है उस चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, या इस तरीके से मिक्सर में थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, 1-2 सेकंड के लिए आप चला लीजिएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला प्याज हमें पीस कर तैयार करना है। अब इस तेल में इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है, तो भूनने में कंजूसी मत कीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक भूनिएगा। जब तक हमारा प्याज भून करके रेडी होता है तब तक हम ये मसाला पीस लेते हैं। तो 6 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 6 से 7 कली लहसुन है, 1 टुकड़ा अदरक है, इसे हमें एकदम महीन पीस लेना है। और फ्रेंड्स, जितना आप प्याज लेंगे उसका डबल आपको टमाटर सब्जी में यूज़ करना है। ये देखिए, ये प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। इस तरह का ही ब्राउन कलर हमें इसे देना है। भुनते वक्त बस ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत भुनिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसको बिल्कुल अच्छे से हमें भुनना है, तब वो जो टेक्सचर चाहिए डाबे वाली सब्जी का वो हमें मिल पाएगा। तो प्याज हमारा भुन करके रेडी है। इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो सूखे मसालों में मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम डालेंगे। 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किचन किंग मसाला आप स्किप ना करें। इससे वो जो आपको ढाबे वाली सब्जी या रेस्टोरेंट वाली सब्जी का टेस्ट चाहिए वो आपको ये किचन किंग मसाला देगा। तो मसाले डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डालें, और पानी डालने के बाद प्याज के साथ में ही इन मसालों को बिल्कुल अच्छे से भून लें। मसालों को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से आपको भूनना है, जब तक मसालों में से अच्छे से तेल अलग ना होने लगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखी है, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए, मसाले हमारे बढ़िया से भून चुके हैं, और अब साइड्स में देख रहे होंगे तेल अलग होने लगा है। अब जो टमाटर वाला पेस्ट हमने तैयार किया है, टमाटर अदरक और लहसुन वाला, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही टमाटर डालेंगे, टमाटर डालते ही हमें नमक भी डाल देना है। तो बस यहाँ नमक स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ मैं, करीब 1 से 1.5 चम्मच, और नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ा करके हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और करीब 30 सेकेंड्स में इसको हाई फ्लेम पर भूनने के बाद इसको हम लोग ढक कर पकाएंगे। तो ये हमने इसको अच्छे से अभी आधे से 1 मिनट भून लेना है। ये देखिए, करीब आधा से 1 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसको ढक कर के पकाऊंगी, बिकॉज टमाटर में से काफ़ी छींटे उड़ते हैं, तो हम इसको ढक कर पकाएंगे जब तक कि हमारे जो अदरक लहसुन और टमाटर है उसकी कच्ची महक इसमें से निकल ना जाए। तो बस इसको हम ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट धीमी आँच पर पकाएंगे। करीब 2-3 मिनट हमने इसको पकाया है, और आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर से आने लगा है, बट स्टिल अभी इसमें काफ़ी पानी है। तो अभी हमको फ्लेम तेज करके, मतलब मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, इसका जो बिल्कुल पानी ड्राई अप होने तक, और एकदम इसमें से जब तक बिल्कुल बढ़िया से खुशबू ना आने लगे और आपका जो मसाला है वो अच्छे से तेल ना छोड़ने लगे, तब तक आपको इसको अच्छे से भून लेना है।
ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा मसाला बहुत बढ़िया से भुन चुका है, उसका कलर भी टेक्सचर आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा। और जब आप भुनेंगे, जब ये रेडी होने लगेगा, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आपको आने लगेगी और इसका टेक्सचर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो हमारा मसाला लगभग तैयार हो चुका है अच्छे से भुन करके। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। सब्जी का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये कोई मलाई या क्रीम नहीं है, हमने 50 ग्राम पनीर को थोड़ा सा दूध डाल करके, या पानी भी डाल सकते हैं, दूध या पानी डाल करके अच्छे से मिक्सी में हमें पीस लेना है। यानी जो भी पनीर आप लाते हैं उससे 50 ग्राम या एक छोटा टुकड़ा पनीर को आप पीस करके इसमें मिला दें। इससे जो हमारी ग्रेवी है उसका टेक्स्चर भी चेंज हो जाएगा, प्लस इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया एकदम ढाबी जैसा आएगा। तो बस ये पिसा हुआ पनीर डाल करके आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी की रंगत भी चेंज हो गई है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसमें आ गया है। अब एक चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और आप देखिए हमारा जो मसाला है कितने बढ़िया से भुन रहा है, बढ़िया से इसमें ऑयल भी आने लगा है, टेक्सचर बहुत प्यारा इसका लग रहा है। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे मटर। तो मैं यहाँ फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 200 ग्राम मैं फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर डालें तो एक उसको थोड़ा सा उबाल लगा कर डालें, बिकॉज बहुत आसानी से मटर गलते नहीं हैं फ्रेश, तो इसलिए आप इसमें एक उबाल लगा कर डालें। तो यहाँ फ्रोज़न मटर डाले हैं, तो डाल करके अच्छे से हमने यहाँ मिक्स कर दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी लग रही है, ऐसे ही ये बहुत बढ़िया लग रही है। और अभी तो इसमें पनीर जाएगा, तो आप सोचिए कितनी बढ़िया ये हो जाएगी। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार मैं पानी डाल दूंगी, तो आपको जितना ग्रेवी रखना हो उस अकॉर्डिंग आप पानी डालें। तो मैं करीब आधा कप पानी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा पतली ग्रेवी इसकी नहीं रखनी है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने इसमें मेन इन्ग्रीडियंट यानी पनीर हमें इसे डाल देना है। तो मैंने टोटल 250 ग्राम पनीर लिया था, जिसमें से 50 ग्राम पनीर पीस के डाल दिया है और बाकी का 200 ग्राम पनीर हम इस तरीके के टुकड़ों में काट करके इसमें डाल देंगे। और पनीर डालने के बाद इसको ज़्यादा मिक्स ना करें, जेंटली बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करके और इसको हम ढक करके बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक हम पकने देंगे, जब तक कि पूरा ऑयल ऊपर अच्छे से आ ना जाए। तो बस इसको ढक कर हम अच्छे से पका लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, गैस मैं बंद कर चुकी थी। और ये देखिए आप सब्जी की शक्ल देखिए, सब्जी की रंगत देखिए, कितना अच्छा कलर इसका आया है, ऊपर से पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है। और आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, बिना कोई मलाई क्रीम दही या काजू डाले भी ये सब्जी इतनी बढ़िया बन सकती है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सब्जी में भुनना, आप भुनने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, पूरी जो सब्जी है मीडियम फ्लेम पे भुननी है, तब जाके आपकी ये ढाबे जैसी सब्जी बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए एक बाउल में हमने डाल दिया है और आप देखिए आप सब्जी का टेक्सचर देखिए, आप टेक्सचर देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया हमारी ये सब्जी बन करके तैयार होती है। और स्वाद की गारंटी मैं लेती हूँ कि स्वाद में तो बहुत बढ़िया है ही, किसी भी ढाबे या होटल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बस फिर देर की इस बात की, बहुत ही ईजी अवेलेबल इन्ग्रीडियंट है, घर में अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें एक बार, इस रेसिपी को इस तरीके से बनाकर देखें। आई एम श्योर आपको, आप कि घर में आपके बच्चों को, परिवार को, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, वीडियोस पसंद आते हैं आपको, जब आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत क्या कीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत मेहनत से हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।